नहीं दी गई मानव परमिशन नहीं होती इसकी, इस पर कोई कानून में कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। धारा 144 पिस्तौल लेके घूम रहा है, कितने मजे से घूम रहा है, और जो संविधान लेके घूम रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है आपने देखिए। सर आप आगे नहीं जा सकते, क्यों आदेश आदेश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है, उसका मालूम नहीं सर आप आगे ऐसे कोई आदेश नहीं दे सकता। 144 लगा है क्या बात है बताइए। ये लोग कैसे जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोका आपने? ये आम पब्लिक है सर, तो हम भी आम पब्लिक। आप इकट्ठे हो रहे सर, इकट्ठे का क्या मतलब, इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, इतने सारे लोग तिरंगा उठा सकते हैं। आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। अरे भाई ये क्या बात है, कोई आदेश है बताइए, ऐसे नहीं कर सकते। आदेश अफसर बताएंगे, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करिए इन लोगों का, आप अपना नाम बैच दिखाइए, अपना दिखाइए। आप मुझे कैसे पता लगे आप किसी फोर्स से हैं, आप अपना दिखाइए। कोई भी ऐसा आजकल तो ऐसे कपड़े पहन के बहुत लोग घूमते रहते हैं, तो बताइए आप अपना बैच नहीं सकते कि हम तो आपको दिखा देंगे वीडियो, इस तरह के कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं। आप मनोज कांस्टेबल कहाँ से हैं, किस थाने से? आपको आदेश दिखाइए, किस आदेश के आधार पे आप हमको रोक कैसे सकते हैं? हम सड़क पर चल रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं हम। आज दिल्ली के 30 जनवरी है, आज गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम केवल हाथ पकड़ के खड़े होंगे, हम कोई जनगण मन गाएंगे, ना कोई हमारे पास लाउड स्पीकर है, ना हमें कोई सभा करनी, ना स्पीच देनी, तिरंगा थामना है, जनगण मन गाना है, वो हम करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे खड़े होके करेंगे, हम कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमें बताइए। ऐसे नहीं रोक सकते आप, ऐसे नहीं रोक सकते। वो पहले से आया सर, कहाँ जा रहे हैं, क्या मतलब, कितने लोग भी जा सकते हैं, कोई धारा 144 नहीं लगी है यहाँ पर, तो नहीं लगी ना, बस फिर आप हमें जाने दीजिए, किसी को रोक नहीं रहे, हम ना ट्रैफिक रोक रहे हैं, 144 नहीं लगी ना, बस तो फिर हम जा रहे हैं, फिर काहे को रोक रहे हैं? दिल्ली गेट तो आगे सर, ठीक है आप इनका वीडियो लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में देखिए। मुझको आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम प्रशांत भूषण है, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह। आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे 144 नहीं लगी हुई, कानून नहीं लगी हुई है ना, आपको भी कानून के, आप हमें किस आधार पर रोक रहे हैं? आप अगर आपके अफसर आए वहाँ पे हमें रोक रहे हैं, जहाँ रोकना है अफसर आएंगे सर, आज अफसर जहाँ मर्जी आए हम जाएंगे, के लिए चलिए ना, चलिए हम चल रहे हैं, आप किस आधार पर रोक रहे हैं? हम कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सड़क को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, हम कुछ कर रहे हैं। हेलो, अरे आ गया हो, ठीक है कहाँ तक जाओगे सर? वहाँ तक जाओगे? आप देखिए, यही वो दिल्ली है जहाँ सुबह एक आदमी पिस्तौल लेके घूमता है, पुलिस देखती रहती है, कुछ नहीं कहती, और जो लोग कहते हैं कि हम गांधी को याद करने के लिए तिरंगा लेके आए हैं, जनगण मन गाएंगे, उनको चारों तरफ से पुलिस घेर के रखती है। ये सच्चाई है आज के दिल्ली की। हाँ, वहाँ जाके बस यहीं तक जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं तक जाएंगे। आप साइड में हट जाइए प्लीज। एक मिनट 5:17 होने वाले हैं, हम यहाँ रुक के जनगण मन करेंगे प्लीज। चेहरे पे बस यही रुक जाइए आप, रुक जाते यहाँ आके
बस यहाँ ही रुक जाइए, कॉर्नर पे हो जाइए, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सामने आ जाइए, एक मिनट प्लीज हट जाइए, हम ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सामने इधर यहाँ पे लाइन बना के जनगणमन करेंगे, 5:17 होने वाले हैं, सब लोग इधर आ जाइए, या यहीं पे कर लें, थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, थोड़ा सा सीधे, सब लोग सीधे हो जाइए, केरिन केरिन इधर आ जाते, यहीं पे सीधा यहीं पे कर लें, साथियों 5:17 पे गांधी जी का की हत्या हुई थी, तो एग्जैक्टली इसी समय हम सब लोग मिलके गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए जनगण मन करेंगे, मैं 5 गिनूंगा उसके बाद हम सब शुरू होंगे, 5, 4 थोड़ा पीछे होंगे, 3 थोड़ा पीछे होंगे, पीछे भाई थोड़ा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गांधी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्यों ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मनोज मनोज देते हैं, प्रशांत भूषण है, भारत बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और इस वजह से मानव श्रृंखला का हम लोग ने ऐलान किया था, जो लोग पिस्तौल चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, उन लोगों को आसानी से चलाने देती है, जो लोग जेएनयू में जाकर नकाबपोश पहनकर भागते हैं, उन लोगों को पूरा सहारा देती है, और जो लोग बिल्कुल पीसफुली यहाँ पर खड़े होकर जनगण मन गाने परमिशन जो है वो नहीं दी गई, मानव परमिशन नहीं होती इसकी, इस पर कोई कानून में कोई परमिशन की जरूरत नहीं, यहाँ धारा 144 नहीं लगी है, लोन आप जनगण कर रहे हैं, जबरदस्ती में जा रहे हैं, भूषण भाई बहुत पीछे रही है, वो जो पिस्तौल लेके घूम रहा है कितने मजे से घूम रहा है, और जो संविधान लेके घूम रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, आपने देखिए योगेंद्र यादव ने कहा दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस ने मुर्दाबाद,
और हिरासत में लिया गया है प्रशांत भूषण को, योगेंद्र यादव को, जेएनयू डीयू के कई सारे प्रोफेसर, कई छात्र यहाँ पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए। और ये हशर देखिए जिस तिरंगे झंडे के साथ प्रदर्शन करने आए थे उसका हशर देखिए इस देश में, कि पुलिस प्रदर्शन करने की इजाजत तो नहीं ही दे रही है। जिस तिरंगे टुकड़े के साथ लोग आए थे प्रदर्शन करने उसको भी पुलिस देखिए कितना सम्मान है इन तीन रंगों के लिए। प्रदर्शनकारियों को तो पकड़ा ही पकड़े को खींचा जा रहा है और तिरंगे के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यहाँ पर प्रदर्शन करने भाई साहब सीट ले भाई सीट ले सीट लो।